नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर से नई छलांग लगाई है। जी हां, नेविगेशन सैटेलाइट NVA-01 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक की गई है। GSLV-F12 से NVS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर से नई छलांग लगाई है। बड़ी जानकारी, नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक कर दी गई है। तो वहीं GSLV-F12 से NVS-01 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि इसरो जिस तरह से नए नए इतिहास रच रहा है, उसमें एक और सफलतापूर्वक लॉन्चिंग सैटेलाइट की हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। इसरो की नई छलांग इसरो ने एक बार फिर से कर दिखाया। नेविगेशन सैटेलाइट NVA-01 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगे खबरों का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अब कांग्रेस हाईकमान कोशिश करते दिख रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठक पायलट के उस अल्टीमेटम के बाद हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार से की गई उनकी 3 मांगों को इस महीने के आखिर तक पूरा नहीं किया जाता तो वो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। पायलट की एक मांग है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की जांच उच्च स्तरीय कराई जाए। वरिष्ठ नेता के मुताबिक राज्य के सभी नेताओं के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक 26 मई को होनी थी लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आलाकमान गहलोत और पायलट को एक मंच पर लाने के लिए उनसे अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। कुछ खबरों की माने तो बैठक में राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत डॉक्टर CP जोशी को बुलाया गया है। इसके अलावा रघु शर्मा, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र, रघुमीना, कुलदीप इंदौर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेता ने कहा है कि खड़गे को कर्नाटक में सिद्धरमैया और DK शिवकुमार को भी साथ मिलाने में सफलता मिली है और पार्टी अब चाहती है कि राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले को अपनाया जाए क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव होने से पहले कांग्रेस अंदरखाने सब कुछ निपटा देना चाहती है। जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बिजभूषण चरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने, ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई संसद का उद्घाटन किया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत पहलवानों ने रविवार को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। इस बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया जहां एक महीने से प्रदर्शन जारी था। पुलिस का कहना है कि पहलवानों को दोबारा वहां लौटने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि दिल्ली से 700 लोगों को हिरासत में लिया गया था, वहीं 3 पहलवानों समेत 109 को जंतर मंतर से हिरासत में लिया गया। हालांकि शाम को ही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत सभी महिला प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया। जंतर मंतर को खाली कराया गया है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी को जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि जो आंदोलन, ये जो प्रदर्शन एक महीने से चल रहा था, ये अब दूसरा मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। आखिर इन पहलवानों की आवाज अब कैसे सुनी जाएगी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत BJP के कई नेताओं पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी, इसमें ईसाई पादरी, सिख गुरु, मौलानाओं को भी होना चाहिए था। उन्होंने PM मोदी को निशाना पर लेते हुए कहा कि इस देश का मजहब एक नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। इस रैली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना BJP के अध्यक्ष को एक विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं स्टीयरिंग AIMIM के हाथ में है, BJP के तेलंगाना अध्यक्ष कहते हैं सचिवालय ओवैसी को खुश करने के लिए बनाया गया है। कैसे आदमी है, बिना हमारा नाम लिए
क्या वो कुछ बोल नहीं सकते? हालांकि यहां पर कुछ ऐसा कहा गया है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। AIMIM के नेता ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी का नाम लेने से तुमको लगता है ग्लूकोज मिल गया है, पेट भर गया होगा तो खूब लो। उन्होंने कहा कि अमित शाह जानते हैं कि जब तक AIMIM ताकतवर रहेगी सचिवालय पर बीजेपी का झंडा नहीं लहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि रोड पर खड़े होकर संघ परिवार से पंजाब मुसलमान लड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जनता और पार्टी के लोगों से पूछकर तय करूंगा कि इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मजलिस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओबीसी आगे कहते हैं कि नई संसद का उद्घाटन हुआ है, पीएम मोदी की फोटो आई है, पीएम और हिंदू पुजारियों की तस्वीरें हमने देखी। अफसोस हुआ कि पीएम मोदी एक ही मजहब के लोगों को लोकसभा में लेकर गए। वहीं बिजनौर के नगीना रोड शादीपुर में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर में पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने दोनों शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। मौके पर पुलिस मौजूद रहा। मामला नगीना देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद परिजन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं। सड़क पर पूरी तरह से जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचे, किसी तरह से लोगों को समझाया है, वहां से उन्हें हटाया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रात में लूट करने वाले चार शाती डकैतों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना देवबंद पुलिस ने रात में डकैती करने वाले गैंग के 25,000 के नामी चार शातिर डकैत इमरान, साउद, मेहताब, शोएब, नौशाद को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से इनका एक साथी भरार हो गया। गिरफ्तार डकैतों के कब्जे से अवैध 10,00,000 कारतूस, मोटरसाइकिल, डकैती में लूटा गया माल बरामद किया गया है। सहारनपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा पुलिस टीम को 50,000 रुपए के पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। करते थे ये, इनके ऊपर पुलिस काफी समय से निगाह रखी हुई थी। ये चारों पांचों अभियुक्त जो पकड़े गए हैं ये इनामी अभियुक्त है और इन चारों पर 25,000 का इनाम भी है। इनसे भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है। पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनमें से दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 से अधिक घटनाएं पूर्व में कारित की हैं और इसमें एक अभियुक्त अभी इनके गैंग का फरार है और उसकी भी तलाश की जा रही है और दो अन्य घटनाओं में लोग सामने आए हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी कार्रवाई कर उनको भी सलाखों के पीछे किया जाएगा। सहारनपुर में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने आधा दर्जन युवकों को होटल सिटी हाट पर हंगामे के बाद मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है। मुकदमा पंजीकृत कर 6 वांछित अभियुक्त दानिश अहमद, असलम, जुफकार, अब्दुल्ला, मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये लगातार पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण जो किया गया था उसमें जांच नहीं करवा रही थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी किया जाएगा। काफी दिनों से वांछित थे, कई मुकदमे इन पर दर्ज थे, पुलिस को इनकी तलाश थी और आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर में कल शाम के समय कुछ युवकों ने दो युवकों के साथ मारपीट की और हंगामा किया और इसमें कोई महिलाओं का कुछ मामला था जिस पर कि ये पुलिस थाने लाए गए। इसमें जो वीडियो था उसके आधार पर शिनाख्त करते हुए मारपीट करने वाले पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वीडियो के आधार पे। बाकी अन्य लोग फरार हैं जिनकी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और पूरे प्रकरण में बड़ी गंभीरता से एसपी सिटी के द्वारा जाँच की जाएगी। रामनगरी अयोध्या में निर्भया जैसी दरिंदगी से रामनगरी पूरी तरह से शर्मसार हो गई है। स्कूल में छात्रा की निर्मम हत्या का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वरिष्ठ समाजसेवी रत्ना जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए इंसाफ, हर दिन हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, आखिर इन्हें इंसाफ कब मिलेगा? सरकार कहां गई है, कहां गया उनका वादा? हम बच्चों को स्कूल भेजकर सेफ महसूस करते हैं लेकिन आज जब स्कूल ही सेफ नहीं रहे तो हम बच्चों को कहां से भेजें? प्रदर्शन के दौरान बी फॉर जस्टिस जैसे नारों के साथ महिलाएं आक्रोशित दिखीं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर गईं।
प्रदर्शनकारी महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमको इस बिटिया के लिए इंसाफ चाहिए। आक्रोशित महिलाओं की मांग है कि जिस स्कूल में घटना हुई है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। अयोध्या का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि बीते 4-5 दिनों से मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्कूल के अंदर एक मासूम की 10th क्लास में लड़की पढ़ती थी जिसकी मौत हो गई है। हालांकि अब तक इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है क्योंकि प्रिंसिपल लगातार झूठ बोल रही है, लेकिन स्कूल में छात्रा की हत्या से कहीं ना कहीं पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उसकी जस्टिस के लिए, उसकी इंसाफ के लिए लगातार लोग निकले हुए हैं, मांग कर रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाला गया है। उनका कहना है कि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर ना तो बेटियाँ पढ़ पा रही हैं ठीक से और ना ही बेटियाँ बच पा रही हैं, लगातार उनके साथ दंगी हो रही है। अब तो स्कूल भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है। उन्होंने मांग की है कि प्रदर्शनकारी लगातार कह रहे हैं कि जो यहाँ पर स्कूल है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, प्रबंधन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, साथ ही साथ स्कूल की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा। वही बाराबंकी में स्वार सर्विलांस और थाना सफदर्जन पुलिस द्वारा अभियुक्तों पप्पू गौतम, चंद्रिका प्रसाद निवासी छोटी ग्वारी, चौमराही थाना थानगांव जनपद सीतापुर, मोनी लोनिया और राम विजय लोनिया को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि थाना थानगांव जनपद सीतापुर को कैलाशपुरी मंदिर गेट पासा रोड पर ग्राम मुशीनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, करीब 50,000 रुपए की नगदी, एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी और 3 तमंचे कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सफदर्जन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पहले से ही दर्ज था और काफी दिनों से इनकी तलाश की जा रही थी। आखिरकार तीनों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से चोरी का सामान, मोटरसाइकिल, गाड़ी और तमंचे बरामद किए हैं। काफी दिनों से इनकी तलाश की जा रही थी, कई मामलों में पहले से ही ये वांछित चल रहे थे। सफदरगंज थाना क्षेत्र के दो गांवों में जिस महीने चोरी हुई थी, और खासियत ये थी कि दोनों गांव में एक ही रात में कई कई घरों में इनके द्वारा चोरी कर ली गई थी। इस पर सर्विलांस एसओजी और सफदरगंज की पुलिस काम कर रही थी। इसी दौरान जो सूत्र सूचना दी उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 साथी चोरों को पकड़ा गया। आगरा में होमगार्ड और बस चालक के बीच झड़प हो गई। रोडवेज बस का चालान किया गया है। आपको बता दें कि प्राइवेट बस को होमगार्ड लगातार भरवा रहा था, चालक और कंडक्टर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। डग्गामार बस चालकों का आतंक लगातार बरकरार है। रोडवेज की बस लगातार खाली चल रही है। आरटीओ विभाग प्राइवेट बसों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कार्रवाई करने में पूरी तरह से फेल है। वाटर वर्क्स चौराहे का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर होमगार्ड और बस चालक के बीच झड़प होती हुई नजर आई है। दरअसल जो बस चालक था उसका कहना है कि रोडवेज बस को ना भरकर होमगार्ड जो है वो प्राइवेट बसों को भरा रहा है, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं वो खाली चल रही हैं। ऐसे में उनके बीच झड़प हो गई, कहासुनी हो गई। चालक और कंडक्टर ने वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि डगरमार जो बसें हैं उनके जो चालक है वो लगातार आतंक का पर्याय बने हुए हैं। रोडवेज की जो बसें हैं वो खाली चल रही हैं। आरटीओ विभाग प्राइवेट बसों पर किसी तरह की ना तो कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही इस पर एक्शन ले रहा है। वाटर वर्क चौराहे का एक पूरा मामला है। फिलहाल वीडियो संज्ञान में लेने की बात की जा रही है, जल्द इस पर एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है। वही झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मेहंदी बाग में दो पक्षों में मुकदमे की रंजिश में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मेहंदी बाग निवासी आशु राय ने बताया कि वो अपने गूंगे बहरे चाचा राजेश के साथ घर आ रहा था, तभी मोहल्ले के विकास राय कवार ने एक राय होकर हमला बोल दिया और छत से पत्थरबाजी की, जिससे चाचा और उसको चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष ने कन्हैया पे भी आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें देखिए, मामला जो है वो बेहद गंभीर नजर आ रहा है। ईंट पत्थर चले हैं, सनसनी फैल गई है इस पूरे मामले से, दहशत का माहौल लोगों में बना हुआ है। पूरा मामला जो है वो मेहंदीपुर बाग का है, जहां पर दो पक्षों में मामूली बात को लेकर मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, जिसके बाद इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मेहंदी बाग निवासी आशु राय ने बताया कि वो और उसके चाचा जो हैं वो घर आ रहे थे, तभी मोहल्ले के विकास नाम के शख्स ने उन पर हमला बोल दिया, छत्ते पत्थरबाजी करी, से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तहरीर लेकर आगे की जाँच पड़ताल में जुटी है।
फिरोजाबाद में जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपने ही माता पिता की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि गोली की थरथराहट से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पति पत्नी को लहूलुहान देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं छोटे बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल जो बेटा है वो अभी फरार बताया जा रहा है। फिरोजाबाद का पूरा मामला है जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल जमीन के विवाद में बेटे ने अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया, गोलियों से उन्हें भून दिया है। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों को मौके पर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छोटे बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए, ये थाना एका है, यहाँ गांव नगला रमिया है, जहाँ के एक राकेश जी जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, ये एटा में रहते हैं जनरली अपने छोटे बेटे के साथ। आज ही अपने गांव में आए थे और इनका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम योगेश है, उससे इनका कुछ प्रॉपर्टी और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। ये आज जब अपने गाँव नगला रमिया से एटा वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये दोनों बाइक से जा रहे थे, ये और इनकी पत्नी। और यह कि अजीतमल कोतवाली में थाना दिवस के अवसर पर कुल 14 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। थाना दिवस में पहुंचे अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर सिंह कुशवाहा ने लोगों की शिकायतों को सुना और जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। शिकायतों में गंभीर सिंह ने शिकायत की है कि दबंगों द्वारा चक्रोड पर दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया गया है जिससे खुलवाया जाए। अधिकतर शिकायतें राजस्व संबंधित थी। इस तरह से थाना दिवस में पहुंची 14 शिकायतों में एक शिकायत का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बकाया शिकायतों में लेखपाल और चौकी प्रभारी की टीम बनाकर मौके पर भेजा गया। थाना दिवस में उप जिलाधिकारी अजीतमल अखिलेश सिंह, क्षेत्राधिकारी अजीतमल भारत पासवान, तहसीलदार अजीतमल हरीशचंद, कोतवाली प्रभारी मुकेश चौहान, SSI महेंद्र सिंह भदौरिया, पुलिस फोर्स, राजस्व की टीम, कानून गो, लेखपाल मौके पर नजर आए। तो यह कई पूरा मामला है जहां पर थाना दिवस में SDM ने सभी लोगों की शिकायतें चुनी हैं और सुनकर एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन अभी जो बाकी शिकायतें हैं उसका निस्तारण होना बाकी, जिसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मौके पर कुल 14 शिकायतें मिली थी, जिनमें से एक शिकायत पर मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। थाना दिवस में अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। ज्यादातर जो समस्याएं थी वो राजस्व से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। एक समस्या का हल निकाल लिया गया है, लेकिन जो बाकी शिकायतें हैं उनको लेकर तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आपका गंभीर सिंह, कहाँ के निवासी हो? हलुआ। क्या मामला है आपका? मामला साहब जो है कि चक्रोड निकल जाए, हमारा रास्ता निकल भी क्यों नहीं है, कैसा निकलें, कहाँ करें? आपने शिकायत दी है कि चक्रोड पर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपको निकलने के लिए रास्ता बंद कर दिया है। हाँ, रास्ता बंद कर दी। तो अभी आपको उच्च अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा लेखपाल ने लेखपाल फोन लगा हमारे नक्शा नहीं है हमारे पास, और बोले धारा 67 लगी है, तो SDM साहब ने कह दी कि दोनों इकट्ठे कर दो। और रेवे नगर पालिका परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने गोपनीयता और पद की शपथ ली। उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता समेत सभी सभासदों को शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण में अध्यक्ष के साथ 25 सभासदों ने शपथ ली। शपथ समारोह के दौरान हजारों की संख्या में लोगों का तांता लगा रहा। नगर पालिका इंटर कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। कानपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने बताया कि जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल इस साल 2023 में अपनी 50 साल पूरे कर रहा है। इसे पूरे प्रदेश में स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। स्वर्ण जयंती साल के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ स्वर्ण जयंती साल का शुभारंभ प्रदेश भर की लगभग 310 तहसीलों कस्बों में एक साथ हुआ है। व्यापार मंडल व्यापारियों के प्रतिष्ठान कार्यक्रम के तहत 5 लाख से ज्यादा व्यापारियों ने
मिड्स कॉल के माध्यम से संगठन से जुड़कर संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। इसी के तहत व्यापारी स्वाभिमान यात्रा सहारनपुर जनपद से शुरू होकर 25 दिनों में प्रदेश के 33 जिलों में भ्रमण करेगी और नगर निकाय चुनाव के आचार संहिता के चलते यात्रा को बीच में ही जनपद वाराणसी में स्थगित किया गया था। प्रदेश के अन्य जनपदों में यात्रा आगामी सितंबर अक्टूबर माह में भ्रमण करेगी। शपथ ग्रहण और कानपुर रत्न समारोह में उद्घाटनकर्ता प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने की है। कानपुर में शनिवार देर रात थाना नवाबगंज के जागेश्वर मंदिर स्थित मायके में महिला के प्रेमी ने तकिए से मुंह दबाकर धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। बच्चों के रोने पर महिला की मां ने ऊपर बने कमरे में जाकर देखा तो बेटी का खून से लथपथ शव मिला, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। घर के कमरे में हत्या की खबर से क्षेत्र में हलचल मच गया। वहीं घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका रेखा की हत्या करने के बाद प्रेमी दीपक गुप्ता को पति के द्वारा पहचान लेने के बाद पुलिस उसके घर सकारपुर मछरिया पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। उसको फोन किया गया, फोन की लोकेशन मिली और सुबह पुलिस को जीआरपी पुलिस ने जानकारी दी कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक 24 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने पति कृष्णकांत को युवक को फोटो दिखाई तो उसके बाद उसकी पहचान हो सकी है। छोरा नवाबगंज का मैटर है, इसमें महिला का नाम है बरखा सैनी, उम्र लगभग 32 वर्षीय होगी। प्रथम दृष्टया ये उनका लव अफेयर लग रहा है, जो पति ने उसके नामजद कराया, वो व्यक्ति उसका नाम है दीपक गुप्ता, तो उसने वो उससे मिलने गया है रात में। ये हमें सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है और संभवतः उसी ने गला रेत के उसकी हत्या की है। एक लव अफेयर का मामला है और बाद में उस व्यक्ति का रेलवे ट्रैक से बॉडी भी मिलती है, तो संभवतः उसका मर्डर करके वह स्वयं सुसाइड किया है। प्राथमिक दृष्टया यही समझ में आया है। बाकी इसमें पति से तहरीर ले ली गई है, उस उन्नाव में जांच रिपोर्ट लेने गए शख्स को पैथोलॉजी के संचालक ने अपने गुर्गों के साथ जमकर पीटा। पीटते हुए संचालक और गुर्गों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जनपद में कई जगह पैथोलॉजी के नाम पर काला कारोबार चल रहा था। गुंडई और दबंगई के दम पर पैथोलॉजी संचालक अपनी पैथोलॉजी चला रहे हैं। पीड़ित ने स्थानीय कोतवाल में पैथोलॉजी के संचालक और गुर्गों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित हेल्पलाइन पैथोलॉजी का एक पूरा मामला है, जहां पर गलत तरीके से गुंडई की जा रही है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। वहीं कानपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक प्रेमी बुर्का पहनकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जिसके बाद कानपुर के लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची यूपी पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान शमशुद्दीन नामक औरैया का निवासी निकला है। प्रेमिका से मिलने कानपुर के घाटमपुर प्रेमी आया था। पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर घूम रहा था। प्रेमी को पब्लिक ने बच्चा चोर समझ लिया, पकड़कर उसे मौके पर पीट दिया, जिसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस हिरासत में लेकर युवक से पूछताछ कर रही है। तथ्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रायबरेली में गौवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। आपको बता दें कि मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर गांव के पास से जौनपुर ब्रांच की नहर पटरी का है, जहां देर शाम नहर के किनारे से गुजर रहे लोगों की नजरें गौवंशों के अवशेषों पर पड़ी, जिसके बाद वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आनन फानन में गौवंशों के अवशेषों को जेसीबी की मदद से जमीन में गड़वाया। घटना को लेकर जहां हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है, वहीं ग्रामीण भी गौतस्करों के खिलाफ कार्रवाई न होने से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। योगी सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं समझ रहे हैं। मामला महाराजगंज सीएससी का है, जहां डिलीवरी के लिए आई एक गर्भवती महिला घंटों इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर नहीं आए और तो और अस्पताल के कर्मचारी उनके मारदारों से अभद्रता शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डिलीवरी के लिए आई महिला घंटों तक तड़पती रही, जिसके बाद महिला की गंभीर हालत देखते हुए परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल का रुख किया। आप देखने आए कि वायरल वीडियो होने के बाद स्वास्थ्य महकमा क्या कार्रवाई करता है, या गरीबों को इलाज के लिए यूं ही प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ेगी।
अलीगढ़ के डेलीगेट इलाके में दो पक्षों में जमकर कहासुनी हुई है। आपको बता दें कि कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्ष अपनी शिकायत लेकर थाना पुलिस के पास पहुंचे। मामले को तूल पकड़ने के बाद नेताजी भी थाने का घेराव करते हुए नजर आए। पुलिस दोनों की तहरीर लेकर जांच कर रही है। कोचिंग से घर आते समय दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ था। नेताजी ने पुलिस पर अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश की। थाना डेलीगेट इलाके के खैर रोड का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर दो पक्षों में काफी ज्यादा विवाद हो गया। आपको बता दें कि दोनों युवक जो हैं वो कोचिंग से आ रहे थे, तभी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद काफी लोग इकट्ठा हो गए, एक दूसरे से मारपीट करते हुए भी नजर आए हैं। जिसके बाद नेताजी जो वहां के स्थानीय नेता हैं वो भी वहां पहुंच गए और थाने का घेराव करने लगे। पुलिस दोनों की तहरीर लेकर जांच शुरू कर रही है। कोचिंग से घर आते समय ये पूरा विवाद हुआ है। नेताजी ने पुलिस पर अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है, ऐसा पुलिस का कहना है। थाना डेलीगेट इलाके के खैर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत की पुलिस लाइन से मिशन लाइफ के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली पूरे शहर में घूमी। पुलिस लाइन से आयोजित इस साइकिल रैली को पुलिसकर्मियों के द्वारा निकाला गया है। साइकिल रैली थाना सुनगढ़ी और सदर कोतवाली क्षेत्रों से होकर पुलिस लाइन में समाप्त हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एनवायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक किया। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया कि साइकिल रैली को निकालने का मकसद सेव लाइफ को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पुलिस लाइन से और लेकर के कोतवाली और सुनगढ़ी क्षेत्र में एक साइकिल रैली निकाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सेव लाइफ का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के लिए लोगों को जागरूक करना और पुलिस उसी में अपना जो प्रदर्शन है वो कर रही है। और मेनली सबको जागरूक ये करना है कि जो भी लाइफ्स हैं उनको हम कैसे सेव करें और लोग इसको जागरूक हों और इसमें लोग सहयोग दें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।